आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। ग्राम हरड़ फतेहपुर की आंचल चौहान बनी डीएसपी। जनपद शामली के कस्बा थाना भवन के ग्राम हरड़ फतेहपुर की आंचल चौहान बनी डीएसपी। जैसे ही आंचल चौहान ने डीएसपी बनने का सपना पूरा किया, उनके गांव में डीएसपी पद की नियुक्ति के बाद अपने गांव में लौटी। आंचल चौहान का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया, पुष्प वर्षा की गई और गांव की गलियों से होते हुए आंचल चौहान ने सभी बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों और अपने भाइयों का आशीर्वाद लिया। हरड़ फतेहपुर में खुशी की लहर छा गई। आंचल चौहान का घर पर आरती कर स्वागत किया, मिठाई खिलाकर उनको बधाई दी। आंचल चौहान ने डीएसपी बनकर एक मिसाल कायम की है। आंचल चौहान के पिताजी ने बताया कि मुझे गर्व है, मेरी बेटी डीएसपी बनी। उन्होंने बताया कि हर बेटी को इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए। आंचल चौहान ने बताया कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे यह प्रेरणा मेरे पूज्य पिताजी ने ही मुझे दी है। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं चाहती हूँ हर लड़की अपना सपना पूरा करे। शामली उत्तर प्रदेश से प्रवीण सैनी की खास रिपोर्ट। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।